ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है सदाशिव जी का मंदिर, इसे एलिफेंटा केव्स भी कहा जाता है। ये इतने प्राचीन मंदिर हैं कि इसकी देखरेख गवर्नमेंट करती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर यूनेस्को की साइड पे हैं। यूनेस्को वो मंदिर हैं कि जो बहुत पुराने मंदिर हैं और जो इतिहास है उसको संभालने के लिए। अभी आप देख रहे हैं इंडिया गेट से ये है CST रेलवे स्टेशन। सबसे पहले आपको CST रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद में वहाँ से आपको इंडिया गेट पहुँचना पड़ेगा। इंडिया गेट पहुँच के उसके बाद में आपको बोट में बैठ के जाना पड़ेगा एक घंटे के लिए। बोट में सबसे पहले CST स्टेशन पहुँचने का टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद में बोट का वेट करना पड़ेगा एक घंटे के लिए, और फिर बोट में एलिफेंटा केव्स तक जाने के लिए एक घंटा। फिर उसके बाद में ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाना है, लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। फिर आपको भगवान के दर्शन होंगे, फिर आप एक घंटा नीचे आओगे, उसके बाद में फिर एक घंटा बोट का इंतज़ार करोगे, और फिर एक घंटा बोट में बैठ के आप CST रेलवे स्टेशन तक पहुँचोगे। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे चाहिए यहाँ पर जाने के लिए। तो प्रोग्राम आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करिए, ऑलमोस्ट एक दिन में आप एक ही मंदिर कर पाएंगे। लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत महिमा है। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद उसको संभाल रही है। ये रोड पे तो नहीं जा रही, समुद्र के ऊपर पुल बना है उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, टॉय ट्रेन है, इसका टिकट खाली कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मजा भी कर सकते हैं, जहाँ पे भक्ति भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा TV देख के चीता भी पीता है, यहाँ पे देखो TV देख देख के बंदर बिगड़ गए हैं, बंदर भी पीता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को बुरी बुरी आदतें मत सिखाओ। लेकिन अगर आप मजा भी करना चाहते हैं और भी करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी जगह है, एक बार जरूर जाइएगा, लेकिन एक दिन निकाल के जाइएगा। यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी होंगे, इंडिया गेट के दर्शन भी होंगे, ताजमहल भी, ताज होटल भी